अभी पूज्यवर स्वामी जी ने विषय रखा। 25 साल से कांवड़ शिविर लग रहा था इंद्रलोक में। कितने साल से? 25 साल। एक शब्द बोलकर उसे नहीं लगने दिया। संवेदनशील इलाका है, माहौल खराब हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब, संवेदनशील इलाके को परिभाषित करिए। कौन से इलाके संवेदनशील है पब्लिक को बताइए, लाइव आकर बताइए, टीवी चैनलों पर आके बताइए। और यदि आप उन इलाकों को संवेदनशील बोलते हैं जहां पर एक समाज की आबादी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके हिसाब से तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अभी से आपको कह देना चाहिए कि सीलमपुर, जाफराबाद, गोंडा, मौजपुर से अपने घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये इलाके संवेदनशील होते चले जाओ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये इलाके संवेदनशील होते चले जा रहे हैं। आज इस देश के अंदर बहुत सारे जिले, बहुत सारे शहर, बहुत सारे कस्बे, बहुत सारे गांव संवेदनशील हो गए हैं। तो हम क्या छोड़कर चले जाएं? यदि छोड़कर जाना है तो आप अभी से बता दीजिए, कम से कम अपनी कोई हम व्यवस्था तो कर ले। आप एंड टाइम बताएंगे कि ये कांवर शिविर नहीं लगेगा तो वो कांवर शिविर लगा ही नहीं। यदि आप पहले बता देते तो हम आगे पीछे करके थोड़ी बहुत व्यवस्था कर लेते, वो जो शिव भक्त आते हैं उनकी थोड़ी सेवा कर लेते। पर एंड टाइम आपने बताया, नहीं हुआ। हाँ, सड़कों को घेर कर यदि कोई कुछ करता है तो वहां सिस्टम अपना पूरा लगा देते हैं। और कोई एक अच्छा पुलिस का जवान, हम सब पुलिस वाले को गलत नहीं कहते, अच्छे बहुत बड़ी संख्या में है, कोई अच्छा पुलिस का समान उस व्यक्ति उस अराजक भीड़ को रोकता है सड़कों पर बैठकर शोर शराबा करने से, गंदगी मचाने से, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अच्छे पुलिस वालों का मनोबल बढ़ेगा या घटेगा बताइए? जो अच्छा काम करे उसे सस्पेंड, और जो गलत काम करे उसको प्रमोशन, ये नहीं चलेगा। ये जो जनता है, ये जो जनता है जो आज यहाँ आई, इसको कोई शौक नहीं है रविवार के दिन, एक दिन इसे छुट्टी का मिलता है। रोजगारी लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, संडे का केवल एक दिन मिलता है इनको अपना घर परिवार के लिए समय निकालने का। पर सोचो किस दर्द, किस तकलीफ में आज ये यहाँ डीसीपी ऑफिस के बाहर आकर खड़े हुए हैं अपने काम धंधों को छोड़कर, इसलिए कि यदि कल हम पर कोई संकट आएगा तो हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के सिपाही, हमारे एसएचओ साहब, हमारे डीसीपी साहब हमारी शिकायत को सुनकर काम करेंगे, 10,000 रुपए मांगेंगे। ये जनता देखिए अपने आप, तो निवेदन है मेरा, कानून यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर कानून सबके साथ होना चाहिए। 5 साल केस हुआ एनजीटी कोर्ट के अंदर, कानून बनवाए कि जो लाउड स्पीकर बजते हैं दिन में 5-10 बार, ये अवैध है, इनको बैन कराया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने तुरंत संज्ञान लेकर उस पे हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की गाइडलाइन है कि लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, दिल्ली पुलिस को स्वयं संज्ञान लेकर लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए। पर यदि हम गए उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष के पास तो थानाध्यक्ष ने कहा, नहीं भैया संवेदनशील मामला है, यह लाउड स्पीकर नहीं हटेंगे। हाँ, यदि मंदिरों पर बजाएंगे तो हटा दिए जाएंगे, पर वहां तो हम नहीं कुछ कर सकते। क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है? एक समाज के साथ दूसरी व्यवस्था, एक समाज के साथ दूसरी व्यवस्था। पब्लिक परेशान है, गौकशी, लव जिहाद, ये छोटी घटनाएं नहीं है। आज सड़क पर आने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल जब पानी नाक से ऊपर चला गया। यहाँ सर्व समाज था, कोई जाति का, कोई बिरादरी का, किसी एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं था। यहाँ जनता बैठी थी, जनता दुखी थी तो सड़क पर आई है। अब थोड़ी देर में आप भी देखेंगे, हम भी यहीं हैं, पता चलेगा डीसीपी साहब सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं RWA शिवाजी पार्क का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। हम ये शिकायत लेके SHO साहब, शाहदरा SHO साहब के पास गए तो उल्टा हमारे खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करी। कल की घटना है, और बहुत बड़ी बात मैं यहाँ बोलने वाला हूँ। SHO साहब ने मार्केट एसोसिएशन और हमें बिठाकर बोला कि अतिक्रमण तो होगा, आप इस एरिया को, ये कन्हैयालाल यादव जी के शब्द हैं कल शाम के, कि आप इस एरिया को CP नहीं बना सकते। हमने विरोध किया, RWA के लोगों ने, मेरे साथ हमारी RWA के और 3-4 लोग हैं कि सर ये तो आप इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना सुधार यहाँ नहीं हो सकता। डेमोग्राफी की बात करें तो बुला बुलाकर
मुस्लिम विशेष धर्म के लोगों को वहाँ ठेले लगवाए जा रहे हैं हमारे एरिया में। एम्बुलेंस का निकलना भारी है, हमारे घर की बहू बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती। शिवाजी पार्क गोल चक्कर एक समय में पॉश एरिया माना जाता था, आज जंगल राज है वहाँ ठेलों का। दिन में दोपहर में भी आप वहाँ से पार नहीं हो सकते। कृपा किसकी है उसमें? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का दोष है।